असली चुड़ैल की थी वो चीख जो हमें राज फिल्म में सुनाई दी थी। कौन है? कौन है? शायद ही कोई ऐसा फिल्म प्रेमी होगा जो राज फिल्म का नाम नहीं जानता। राम से ब्रदर्स की फिल्मों के बाद कोई फिल्म आई थी तो वो थी राज, जिसने लोगों को खूब डराया। विपाशा बसु और डीनू मौर्या की पहली हॉरर फिल्म। खासकर इस फिल्म में सुनाई देने वाली जो चुड़ैल की चीख थी वो बहुत ही डरा देने वाली थी, क्योंकि वो बिल्कुल असली थी। दोस्तों, जब भी हम हॉरर फिल्में देखते हैं तो उनमें सुनाई देने वाली तरह तरह की आवाजें होती हैं जो बनावटी होती हैं। मैंने कहा लिफ्ट चाहिए आपको? कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ जा रही हैं आप? लेकिन राज फिल्म की इस चीख की एक अलग ही कहानी है, जो कि शुरू होती है सड़क फिल्म की शूटिंग के दौरान। दरअसल सड़क फिल्म की शूटिंग महेश भट्ट और उनके भाई विक्रम भट्ट कर रहे थे, और यह शूटिंग ऐसी जगह की जा रही थी जो दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक है, जिसका नाम है मुकेश मिल। यह एक ऐसी जगह है जो एक समय में अच्छी खासी मिल हुआ करती थी। काफी लोग इस मिल में काम किया करते थे, लेकिन एक दिन इस मिल में आग लग गई। सैकड़ों लोग उस आग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई, जिसके बाद यह जगह दुनिया की सबसे ज्यादा भूतिया जगहों में शुमार हो गई। लोग ये कहने लगे कि यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग तो ये भी दावा करने लगे कि उन्होंने यहाँ पर साए और परछाइयों को भी देखा है। धीरे धीरे ये बातें इतनी ज्यादा फैल गई कि बॉलीवुड की नजर मुकेश मिल पर पड़ी। तभी से यहाँ शूटिंग होने लगी, और शूटिंग के दौरान बहुत से लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी है। लगभग साल 1990 में सड़क फिल्म की शूटिंग इसी जगह चल रही थी और विक्रम भट्ट इसे डायरेक्ट कर रहे थे। वो एक सीन को टॉप एंगल से लेना चाहते थे। तब मुकेश भट्ट अपने कैमरामैन को लेकर मिलके टॉप फ्लोर वाले कमरे में चले जाते हैं और पूरा क्रू नीचे ही रह जाता है। जैसे ही वो लोग शूटिंग करने की तैयारी कर ही रहे होते हैं, अचानक से उनके पीछे से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कैमरामैन और विक्रम भट्ट पूरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि वो आवाज बहुत ही ज्यादा अजीब और डरा देने वाली थी। जब वे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद वहाँ का चौकीदार बताता है कि यहाँ पर ये आवाजें अक्सर सुनाई देती रहती हैं, और रात के समय में तो ये आवाजें बहुत ही आक्रामक तरीके से सुनाई देती हैं। आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। विक्रम भट्ट पहली बार किसी ऐसी चीख से रूबरू हुए थे, इसलिए वो इसे नहीं भूल पाए। एक दिन विक्रम भट्ट के दिमाग में राज फिल्म बनाने का आइडिया आया। इसके लिए उन्हें बहुत ही खतरनाक चुड़ैल की आवाज़ चाहिए थी, और वो चाहते थे कि वो आवाज़ हूबहू वैसी हो जो उन्हें और उनके कैमरामैन को सुनाई दी थी, क्योंकि उस डरावनी आवाज़ को वो भूल नहीं पाए थे। उन्होंने इस चीख के लिए काफ़ी सारे ऑडिशन लिए, लेकिन कोई भी डबिंग आर्टिस्ट उस आवाज़ को नहीं निकाल पाया। मुकेश भट्ट तो विक्रम भट्ट पर गुस्सा भी करने लगे, मगर वे नहीं माने, क्योंकि वो वैसी ही आवाज़ चाहते थे जैसी उन्होंने रियल भूत की आवाज़ सुनी थी। हाँ, वो चीख मेरे माइंड में ऐसे बस गई थी ना कि मैं ऑडिशन पे ऑडिशन किया जा रहा हूँ माइक पे डबिंग आर्टिस्ट के, नहीं ये चीख नहीं वो चीख नहीं। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार दो डबिंग आर्टिस्टों की आवाज को मिक्स करने के बाद ये रियल चुड़ैल की आवाज बन पाई। वो सेम टू सेम वही आवाज थी जो विक्रम भट्ट और उनके साथी ने सुनी थी। विक्रम भट्ट ने जब इस आवाज को सुना तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो हूबहू वही आवाज थी जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए थे। आखिरकार वो रियल चुड़ैल की आवाज उन्होंने राज फिल्म में डाली, और फिर क्या हुआ आप सभी लोगों को मालूम है। राज फिल्म ने इतिहास रच दिया, खासकर उस चीख के कारण ही। फिल्म गोस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विक्रम भट्ट ने यह सारा वाक्य बताया था। और हम खिड़की के पास थे, एक तरफ मैंने कैमरा वैमरा लगाया, कुछ वक्त था शॉट के लिए तो मैं वहीं बैठ गया। कुछ 10 मिनट बाद एक भयानक चीख सुनी हम लोगों ने, मतलब इतनी दर्दनाक के। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए कृपया हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तेरे होठों से मैं सपनम चुराऊंगा। बहुत दर्द था उसकी आवाज में, वो बहुत तकलीफ में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आदित्य, संजना, कोई होगा तो तुम उसकी मदद करोगी ना?